और ये सरकार इस स्थानीय नीति जो भी बनाना हो जल्दी बनाए और खाली हवा में ना बात करें, मेरा ये आग्रह है। और इसलिए सरकार जो 32 का घोषणा जो किया है उसको, और फिर नियुक्ति अब JPCA में देखिए, हर साल नियुक्ति होना चाहिए। हमारे यहाँ BDO CO SPDC बनने लायक लोग नहीं हैं, हैं झारखंड में, अवसर तो उनको मिलना चाहिए, अब हो नहीं रहा है। इतना टीचरों का आपने प्राइमरी से प्लस टू स्कूल बना दिए, बाबा ही लूटो कि हम प्लस टू बना दिए, और मास्टर कह गए टीचर दो टीचर हैं, कहीं एक टीचर हैं, और आप कहते हैं कि पढ़ाओ, ये तो बेईमानी करते हैं गरीब बच्चों के साथ, जो गरीबों की बात करते हैं, चाहे केंद्र हो या राज हो, आप शिक्षक दे नहीं रहे हैं और कहते हैं कि पढ़ाओ। मॉडर्न स्कूल बनाएंगे, वहाँ कोई चीज़ का व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप हम सरकार सभी विद्यालय में सभी विषय पर शिक्षक की नियुक्ति करें। आप प्राइवेट स्कूल में जाते हैं इंस्पेक्शन करने, तो आप देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज टीचर है कि नहीं है, बिल्डिंग है कि नहीं है, और सरकारी स्कूल का व्यवस्था क्या है। हम पूछते हैं कि सरकारी स्कूल का जो सरकार के लोग जाते हैं निरीक्षण करने, जिसके कारण वो हाईकोर्ट उसको रिजेक्ट करता है, इसलिए मैं सरकार से चाहूँगा कि आप ऐसा स्थानीय नीति बनाएं, और जगहों का भी देख लें, हर जगह स्थानीय नीति है। और थर्ड फोर्थ ग्रेड में भी अगर हमारे लोग को नौकरी नहीं मिलेगा झारखंड अलग होने के बाद, आप 10-20% दीजिए न दूसरे को भी, मगर स्थानीय जो यहाँ के भूमि पुत्र हैं, मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, जो भी हैं, उनको थर्ड फोर्थ ग्रेड में आप 80% 90% तक नियुक्ति दीजिए। ये मेरा मांग है। क्या है, हमारे लोग अभी भी झारखंड अलग होने के बाद असम और पंजाब और दूसरे राज्य में जाएं, जहां उनका दोहन होता है, इज्जत से भी खिलवाड़ होता है, और बहुत तरह तरह के प्रार्थना। हम लोग तो इसलिए अलग राज किए कि हमारे लोग को बाहर नहीं जाना पड़े, झारखंड में भी सब लोगों को रोजी रोटी मिले, नहीं तो फिर झारखंड अलग कराने का क्या मतलब था। आज भी अगर यहाँ का शोषण हो और शोषण चलता रहे तो फिर झारखंड अलग होने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार सोचले आज युवा झारखंड में जागे हैं, अपना हक अधिकार के लिए रोड पर आ रहे हैं, और ज़्यादा दूर नहीं कि एक दिन फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। पूरे देश में एक ऐसा लहर पैदा कहा गया, हम लोग अब कहेंगे तो इसको पॉलिटिकल नहीं यार, जो सच्ची बात है सो हम बोल रहे हैं, कहा गया कि नीचे से ऊपर राज हो या केंद्र हो, सभी पदों पर हम बहाल करेंगे, और इतनी जगह खाली है सब जगह पर कि बहाली हो तो करोड़ों युवकों को नौकरी लग सकता। आप तो कहते हो पढ़ो, तो पढ़ के क्या करेंगे, चाय बेचेंगे, पकौड़ी बेचने की बात आती है, बड़ा अफसोस लगता है। इसलिए ये नीचे से ऊपर करोड़ों लोगों का बेरोजगारों को नौकरी मिलेगा, जितना केंद्र में जगह है, रेलवे में जाइए, बैंक में जाइए, हर जगह। जब पार्लियामेंट कमेटी में हम लोग जो घूमते थे तो पूछते थे, एक तो लोड बढ़ गया है हर विभाग का, और जो पहले से जो स्वीकृत पद है उतना भी आदमी नहीं है। बैंक का लोड बढ़ गया, बैंक में जाइए आप पूछिए, कहें क्या करें, स्टाफ की कमी है हर जगह, चाहे स्कूल हो चाहे किसी ऑफिस में जाइए, तो जो पुराना जो भी जगह था वो भी नहीं भरा, आप लोड बढ़ा है तो आदमी। और अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।